फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। देखिए, ये हमारा ब्लाउज पीस है और ये हमारा लाइनिंग है। पहले हम लाइनिंग पे कट करेंगे, फिर सेम डाफर के हम ब्लाउज पे कट करेंगे। देखिए, हमारा 80 सेंटीमीटर है। हम इस तरह से पहले डबल फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, इस तरह हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी पहले हम बैक साइड काटेंगे। तो बैक साइड की लंबाई तैयार में 13.5 है और हम 1 इंच मार्जिन लेंगे इसमें नीचे फोल्ड करने के लिए, तो 14.5। शोल्डर 6 इंच, मुट्ठी भी 6 लेंगे। और ये हम 36 साइज का बना रहे हैं, तो उसके लिए हम 9 इंच लेंगे और 2 इंच हमारा मार्जिन आएगा इसमें। इस तरह ड्रॉ कर लेते लाइन। और इसमें 1.5 इंच की गोलाई देंगे बैक साइड। देखिए, हम नेक कट करेंगे तो हम 2 इंच ले लेते हैं और इसकी लंबाई 8.5। तैयार में ये 8 इंच आएगा। 1 इंच की गोलाई लेंगे। देखिए, नीचे भी थोड़ा सा हम ड्रॉट करेंगे इसे। सेम ड्रॉप हम कट कर देते इसे। देखिए, मैंने कट कर लिया। अब हम फ्रंट साइड कट करेंगे। देखिए, हम फ्रंट साइड कट करेंगे तो इस तरह हम 6 ले लेते हैं शोल्डर, मोटे भी 6 लेते हैं। देखिए, इस तरह हम 9 इंच पे निशान लगा लेते हैं, 2 इंच वाला मार्जिन। और इसकी लंबाई तैयार में ये 14 इंच आएगी। हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 15 इंच। हम 1 इंच की गोलाई देंगे। देखिए, शोल्डर से 2.5 इंच और इसकी लंबाई 6.5 इंच लेंगे। तैयार में 6 इंच आएगा, इसमें हम 1 इंच की गोलाई देंगे। सेम को हम कट कर देते हैं। देखिए, हमने फ्रंट कट कर लिया। अब हम इसमें स्लीव निकालेंगे। देखिए, हमने स्लीव के लिए डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें से एक द्वारा फोल्ड करेंगे। एक बार स्लीव की विड्थ हम 9 इंच लेंगे, तो हमारे ज्यादा है इस तरह। देखिए, हमारा 9 इंच है और इसकी लंबाई स्लीव की तैयार में 5.5 है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 6.5।
लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से साढ़े तीन इंच पे निशाना लगा लेते हैं। यहां से हम कुराई देंगे फिर इस पर, और हमारे यहाँ कपड़ा कम है वहां पे हम इस तरह जॉइंट लगाएंगे। फिर उसे कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है, सेम ड्राफ्ट के इस तरह हमारी स्लीव भी कट हो गई है। हम सेम ड्राफ्ट रख के ब्लाउज पे कट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़ा, और इसके ऊपर वाले हम बैक साइड रखेंगे। सेम ड्राफ्ट रख के हम कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैंने बैक साइड कट कर लिया है। अब हम फ्रंट साइड रखेंगे इस साइड। देखिए इस तरह मैं फ्रंट रखे फ्रंट कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह मैंने दोनों कट कर लिया। अब हम स्लीव कट करेंगे इसमें से। देखिए मैंने इस तरह डबल फोल्ड कर लिया ये। इस तरह मैंने फोर फोल्डिंग कर लिया है कपड़ा। इसके ऊपर हम लाइनिंग जो हमने कट किया था स्लीव की इस तरह ड्राफ्ट रख लेते हैं, और सेम प्रॉब्लम कट कर लेते हैं। हम बीच में से भी कट कर देते हैं, जॉइंट है हमारा। देखिए इस तरह हमारी स्लीव भी कट हो गई है। देखिए हम हुक पट्टी कट करेंगे, तो हुक पट्टी की 2 इंच लेंगे हम इस तरह। इस तरह हमारी हुक पट्टी कट कर ली हमने, इस तरह डबल फोल्ड करके उसमें लगाएंगे हम। अब हम कांच पट्टी कट करेंगे, तो हम कांच पट्टी 4 इंच लेंगे। काज पट्टी के लिए हम जो हमारा ब्लाउज पीस है उसे भी हम कट करेंगे ब्लाउज में। देखिए हमने काज के लिए दोनों पट्टी कट कर ली हमने। अब हम पट्टी कट करेंगे गले के लिए। देखिए मैंने इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है, और हम 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करेंगे क्रॉस में इस तरह। इस तरह हम जॉइंट कर देंगे। इसी तरह मैं सारी क्रॉस में पट्टी कट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने सारी क्रॉस में पट्टी कट कर ली है। हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया कट करके। प्लेट आने का तरीका बताती हूँ। अब हम बैक साइड डालेंगे पहले प्लेट। तो देखिए इस तरह 3.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ, और 5 इंच लंबी प्लेट डालेंगे हम। इस तरह अब हम फ्रंट में प्लेट डालेंगे, तो हम सेंटर से 4 इंच और ये हम 5 इंच लंबी प्लेट डालेंगे। इस तरह ये भी 1/2 इंच और 1/2 इंच इस तरह। साढ़े 3 इंच लंबी प्लेट डालेंगे।
6 इंच लंबी प्लेट डालेंगे। देखिए इस तरह मैंने प्लेट डाल दी है, निशाना लगा दिया प्लेट के मैंने, और इस तरह मेरा पूरा ब्लाउज कट हो गया। इस आसान तरीके से आप ये ब्लाउज कट कर सकते हो, इस तरह आप ये ब्लाउज कट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।